नीमच में दो दिन पूर्व रेत से भरा ट्रैक्टर शोरूम चौराहे पर बारिश में पलट गया था। यहां आए दिन 25 से 30 ट्रैक्टर रेत से भरे खड़े रहते हैं। कई बार जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई। आखिर मामले को कलेक्टर सिंह ने गंभीरता से लेते हुए खनिज अधिकारी को आदेशित कर बुधवार शाम को कार्रवाई की गई। मौके से 5 ट्रैक्टर खनिज विभाग ने जब्त किए। हालांकि ट्रैक्टर मालिक ट्रैक्टर नहीं ले जाने के लिए अड़े रहे। मौके पर राजनीतिक लोग भी पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने हेतु केंट पुलिस थाना टीम पहुंची और ट्रैक्टर जब्त किए गए। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।